सो ही फैमिली व्हाट्सअप, कैसा हो आप सब? तो मुझे आप सबसे आज अपने लाइफ में मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हुई, अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हुई, जो लाइक कभी सोचा तक नहीं था कि हो वो होगा कभी ऐसा, मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हो चुका है वो चीज़, जो कि अगस्त्य चौहान, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, भाई जैसा दोस्त एंड बहुत बड़ा यूट्यूबर भी था, प्रो राइडर 1000। तो हमारी दोस्ती की स्टोरी बताता हूँ कहाँ से शुरू हुई थी। लाइक जो उनके फादर हैं जॉन सर, वो आर्म रेसलिंग के सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, और बहुत अच्छे इंसान हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, सपोर्टिव इंसान हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को। एंड वो उन्हीं के बेटे हैं अगस्त्य। तो 2020-21 से जानता हूँ मैं अगस्त्य को, और मुझे अभी भी याद है वो दिन जिस दिन मैं उत्तराखंड स्टेट्स में, मेरे साथ एक बार चीटिंग हुई थी जब किसी सरदार जी ने करी थी, वो मेरी रिस्ट फ्लॉप खोल के दी थी, तो मैं हार गया था वहाँ पे चीटिंग की वजह से। फाउल फाउल दे रहे थे मुझे जानबूझ के, जो मैंने वीडियो भी डाल दी जिसके ऊपर। तो उस दिन अगस्त थे और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि मतलब उस टाइम पर मैं रो रहा था क्योंकि मैं डिज़र्विंग था जीतना वहाँ पर, और जीता नहीं, जो कि तो बहुत रो रहा था उस दिन मैं। तो अगस्त अकेले आया, मुझसे साइड में बात करी, उसने मुझे समझाया, मैं गेम छोड़ के जाने वाला था, उसने मुझे समझाया कि भाई ये सब होता रहता है, और बहुत मतलब मोटिवेट किया उसने मुझे। और उसके बाद घर जाके हम दोनों ने फॉलो किया एक दूसरे को, हमारी बहुत अच्छी बात चल रही थी है। और उस टाइम पे उसके उतने सब्सक्राइबर नहीं थे जिस टाइम पे वो आर्म रेसलर था, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोस्त एकदम बेस्ट थे। एंड वो जब से न्यूज़ सुनी है यकीन नहीं हो रहा कि अगस्त इतनी कम एज में, मतलब लाइक मैं उसके बारे में एक मतलब ब्रीफली बताता हूँ आपको। बंदा दिल का बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, और अपने काम पे लगन से, जो भी काम करता है बहुत लगन से करता है। एंड कसम से यकीन नहीं हो रहा सुन के, मतलब क्या बोलूँ, मतलब पिछले 2 दिन से तो मैं शॉक में था, मतलब डिप्रेशन था, रो रहा था कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगस्त को बहुत मिस करूँगा मैं, सच में बहुत मिस करूँगा। मतलब वो बंदा ऐसा था, जब मैं मतलब मेरे कोई फॉलोअर्स भी नहीं थे ना, उसके फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, तो कोई बंदा मेरे पास सपोर्ट के लिए नहीं आया, अकेला लेफ्ट आउट फील कर रहा था, वो आया उस दिन मेरे पास। उसने मुझे बहुत मतलब लाइक कहा कि भाई कर अच्छा कर, मतलब हमारे अगस्त और मेरे मैचेस भी हुए हैं बहुत बार, और हम दोनों ही बेस्ट प्लेयर्स थे उत्तराखंड के। एंड सही है, मतलब वो नेशनल चैंपियन भी रह चुका है आर्म रेसलिंग में, स्टेट चैंपियन, मतलब वो जो भी चीज़ करता है बहुत लगन से करता है, और मतलब उसमें बेस्ट बन के दिखाता है। तो अब सीन क्या हुआ कि सुनने में आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में, जो कि यकीन नहीं हो रहा हुआ, और बुरा लगने वाली ये चीज़ है और शौक में डालने वाली ये चीज़ है कि 3 कैमरे थे, 360 गोप्रो 2 थे, एक बंद था, पर चोर ने सिर्फ 2 ही चोरी क्यों किया जो ऑन थे कैमरे, जो तीसरा बंद वाला था वो क्यों नहीं चोरी किया? ये सबसे ज़्यादा दिमाग में मतलब शॉकिंग बात है। और सच बताऊँ तो मेरा शक एक ही बंदे के ऊपर जा रहा है, जो उसका दोस्त था आमिर माजिद, उसी के साथ था वो बंदा। और पता नहीं इनकी क्या बहस हुई, दो बंदा कह रहा है कि मैं 2 किलोमीटर आगे था, मुझे पता नहीं चला इसका एक्सीडेंट कब हुआ, और अगस्त के 2 कैमरे गायब हैं जिसमें मतलब वीडियो शूट चल रही थी। और अगर चोर बाई चांस, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा कि आमिर माजिद गलत है, कोई भी गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वही 2 कैमरे कैसे गायब हुए जिसमें वीडियो बन रही थी। एक 360 होता है जिसमें सारा व्यू आता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और एक गोप्रो था उसका जिसमें मतलब पता चल जाता कि प्रूफ मिल जाता कि सच में एक्सीडेंट हुआ है या फिर हिट एंड रन का केस है या फिर कोई गड़बड़ है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या फिर किसने किया है वो, जो भी हुआ है मतलब। 2 कैमरे जो मेन कैमरे थे वो गायब हैं। अगर चोर को चोरी करनी ही होती तो 3ों कैमरे की करता, उसके जेब में जो वॉलेट था उसकी करता, पैसे निकालता, फ़ोन निकालता। और मेरे सुनने में ये भी आया, जो अगस्त ने हेलमेट पहना था उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी मतलब एक्सीडेंट झेलने की, और वो हेलमेट भी निकला हुआ था। भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे किसी के ऊपर मतलब हेट नहीं है ना, मैं किसी को कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अपने नहीं किया उसके साथ ये, जो कि उसके साथ बाइक राइडिंग पे गया था उस दिन।
और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, आस्तीन के सांप क्यों बनते हैं, वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ये हो रहा है, रो रहा है इंसान की। मैं बहुत वीडियोस देख रहा हूँ आजकल ना, अगस्त्य के जाने के बाद लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है कि उसने गलत किया। भाई सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें करने दो, तुम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसका प्रोफेशन है, जैसा भी है कर रहे हैं, कर रहे हैं। तुम लोग दारू पीते हो जबकि वार्निंग लिखी रहती है, जो तुम अपनी लाइफ में सब मज़े कर रहे हो, जो कर रहे हो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। मैं बहुत वीडियोस देख रहा था जब से वो सीन हुआ, देख रहा हूँ कि लोग वीडियो बना रहे, सही हुआ कि ये हो गया, बहुत स्पीड में चलाता था, ये हो गया। भाई उसका प्रोफेशन है भाई, कोई अपने पैशन में कुछ भी कर रहा है उसकी मर्ज़ी ना लाइफ में। अब मैं आर्म रेसलिंग जब करता हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मैं इतनी रिस्की एक्सरसाइजेस करता हूँ जिससे मेरे एल्बो टूट सकती है, मैं अपने पैशन को चेज़ करने के लिए कर रहा हूँ ना। तो छोड़ो लोगों के ओपिनियन से क्या बोल सकते हैं, पर वो सच बताऊँ चूती एक नंबर के, जो भी उसके लिए वीडियो बना रहे हेट, जो भी हेट वीडियो बना रहे उसके लिए सब चूतिया। मैं यही वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा ना इतनी छोटी उम्र से इतनी मेहनत कर रहा है ना अपने यूट्यूब के लिए, अपने घर वालों के लिए, उसके घर वालों पे क्या बीत रही है तुम्हें नहीं पता। उसके पापा का इकलौता बेटा था, और तुम ये वीडियो बना रहे, सोचो उसके घर वाले वीडियो देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उनके ऊपर। तो भाई मेरा यही ओपिनियन है, मुझे लगता है किसी अपने नहीं किया उसके साथ ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो बहुत परफेक्ट प्रोफेशनल और बेस्ट अच्छी तरीके से गाड़ी चलाता है। और मेरे सुनने में ये भी आया कि वो 300 300 कह रहा था, पर उसने असलियत में 300 नहीं चलाई, वो 150 160 पे ही चल रहा था, और बहुत बार उसने 300 सॉरी 280 70 भगाए, कभी नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा, इस बार गिरा, चलो गिरा तो गिरा, एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, चलो मान लिया। पर जो मेन चीज़ जहाँ पे मुद्दा आ जाता है, वो दो कैमरे कहाँ गायब हैं, GoPro 360 कहाँ गायब है वो। ऑब्वियसली किसी नोन, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, कैमरा वगैरह के बारे में, उसी ने चुराया होगा। अगर चोर होता तो तीनों चीज़ें चुराता, आईफोन भी चुराता, पैसे भी चुराता, सब चुराता। तो मेरा शक तो उसी पे है भाई, बाकी पुलिस देख लेगी। बाकी मैं अगर वो वीडियो देख भी रहा है तो मैं किसी को हेट नहीं देने जा रहा, शक होता है लोगों को, मुझे भी है, अपना ओपिनियन सबको देना पसंद होता है, तो मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जो मुझे लगता है, और लॉजिकल बात लगती है, क्योंकि दो कैमरे वही गायब हुए हैं जो चल रहे थे। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कोई गिरा है, पहले तो उठाएगा ही कौन कैमरा, पहले तो लोग एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अब कोई निर्दयी इंसान ही कर सकता है ये चीज़ भाई, और वही दो कैमरे उठाए भाई। तो भाई किसी अपने ड्राइवर, जो उसके साथ राइडर राइडर्स लोग जा रहे थे, उन्होंने किया, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। और बहुत बुरा लगा यार, अभी परसों मेरा स्टेट्स है, अगस्त भी आता हूँ। अगस्त भी आता हूँ, खेलते हैं मस्त साथ में, पर उसके फादर आ रहे हैं, उनसे मिलूंगा मैं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं जिम भी ढंग से नहीं कर पाया इन 2 4 दिनों में, और मेरे से जो कुछ होगा मैं करूँगा, मैं अभी उसके फादर से मिलूँगा, जो हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा, मेरा अपना भाई जैसा था यार वो। किसी ने सही कहा यार, इंसान की कदर तब तक कोई नहीं करता जब तक वो ज़िंदा हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे उसके जो हेटर्स थे वो भी वीडियो बना रहे हैं अब उसके ऊपर, उसके जो हेटर्स थे वो भी वीडियो बना रहे हैं, प्रो राइडर विल मिस यू फेक, बहुत फेक लोग हैं यार, बहुत ज़्यादा फेक लोग। अगर वो देख रहा होगा ना ऊपर से, वो भी हंस रहा होगा कि क्या 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 के लोग हैं। बाकी मैं सबसे विनती करता हूँ उसकी, उसके लिए प्रार्थना करो, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, एंड आप सब 1 मिनट का मौन व्रत रखो उसके लिए, प्रार्थना करो। बहुत अच्छा इंसान था यार, कभी मतलब हमने एक जेम खोया उत्तराखंड का, जेम कहते हैं ना जैसे जेम हो, उसको खोया है, और जेम को खोना बहुत बुरी बात है यार। उत्तराखंड का टैलेंट, इंडिया का टैलेंट, इंडिया का जेम यार उत्तराखंड भी, क्या ही बोल रहा हूँ मैं।
बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे जो लगता था मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है। और दुनिया बहुत जालिम है यार मेरे भाई, जब आप सक्सेस पे होते हो, अच्छा कर रहे होते हो, किसी चीज़ को अच्छी प्रमोट कर रहे होते हो और बेस्ट बन रहे होते हो किसी चीज़ में, या फिर किसी इंसान से आगे बढ़ रहे होते हैं ना, उस इंसान की जलती बहुत है यार, दूसरे इंसान की जो उसी के फील्ड में हो, या फिर बहुत हेटर्स होते हैं, जलते बहुत हैं यार। उसका अंजाम देखिए क्या होगा, उसके जलने वाले बहुत जलने वाले हैं यार। इंसान किसी लेवल पे आ जाता है ना, बहुत जलते हैं लोग उससे, सपोर्ट नहीं करते अपने अपने ही देश के लोग, जबकि करना चाहिए ना कि अपने देश का बंदा कुछ कर रहा है, किसी चीज़ को तो प्रमोट कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, अपने घर वालों के लिए कुछ दे रहा है, पर लोग नहीं समझेंगे यार, नहीं समझेंगे। बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को ये एंड करते हैं, और बस ये कहना चाहूँगा कि यार कोई भी अगर आपका बंदा है आगे ग्रो कर रहा है, उसे ग्रो करने दो, उसे सपोर्ट करो, उसे प्यार करो। उसके लिए अगर मन में हेट जेलेसी आती है तो यार उसे दबा दो यार, तुम भी अच्छा कर सकते हो भाई, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसे करने दो, आगे बढ़ने दो लाइफ में। मुझे बहुत अजीब हो रहा है बोलते हुए भी यार ये सब। पहले तो मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, पर मैं उस बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिस पर मुझे शक है, और अगर आपको भी लगता है ना तो वो जेल में होना चाहिए भाई। मैं बोल नहीं रहा कि वही हो, बस मैं चाहता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छे से करे, पता लगाए, पर मुझे शक तो उसी पर यार, क्योंकि लॉजिकल बात है यार, दो कैमरा वही वाले जो चल रहे हो गायब हो रखे हैं, और बंदा दूसरा वाला उसका जो साथ में था आमिर वाजिद, वो कह रहा है मैं 2 किलोमीटर आ गया था जबकि साथ में थे पूरे रास्ते भर। तो भाई ये लॉजिक बनता ही नहीं है कि यार पता ना हो बंदे को। बाकी मिस करूँगा उसे बहुत, याद करूँगा। तब तक के बाय, लव यू ऑल, पीस, मैं रो जाऊँगा, बाय, लव यू ऑल, पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।